हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ईरानी चादर बनाने के लिए कम से कम 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। सो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर लाइक्रा स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया है। सो इस तरह से ये स्ट्रेच है, करता है फैब्रिक, यानी ये लाइक्रा फैब्रिक है। सो गाइज, इसको बनाने के लिए आप अपनी पसंद से कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने कपड़े की लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो किनारी वाली साइड से कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो डबल फोल्ड करने के बाद लेंथ है वो 50 इंच है। मैंने 50 इंच यानी 2.5 मीटर फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि ये चादर मैं 5 फीट से कम के लिए बना रही हूँ, यानी जिनकी हाइट 5 फीट से कम है उनके लिए बना रही हूँ। अगर आपकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 3-3.5 मीटर फैब्रिक लेना ही होगा। तो कम से कम 3 मीटर फैब्रिक तो ले लेंगे। इसके बाद कपड़े की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 60 इंच है। अब इस तरह के फैब्रिक कहाँ मिलेंगे? सो गाइस, लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको बड़े अरस का कपड़ा आसपास नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से बिछा लेना है। कपड़े की जो बंद वाली साइड है, सो ये अरस वाली साइड है, यहाँ पर फैब्रिक हमारा फोल्ड है। सो ये साइड मैंने अपनी तरफ रख ली है, और ये किनारे वाली साइड है ओपन है, यहाँ से भी किनारे वाली साइड ओपन है, और नीचे जो अरस वाली साइड है वो भी ओपन है। इसके बाद हमने यहाँ से नीचे की तरफ एक मार्क करना है। इस मार्क को आप 30 इंच से 25 इंच तक कर सकते हैं। सो जिस हिसाब से भी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग गहराई भी आएगी, यानी गोलाई आएगी। सो ये वाला जो मार्क है मैं 28 इंच पर कर रही हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ 28 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमने इसमें गोलाई देनी है। सो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक कर्व शेप में मार्क करना है इस तरह से, और अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो लीजिए, कट करने के बाद जो नीचे की तरफ हमारा फैब्रिक बचेगा वो कॉर्नर वाला, उसको हम फोरहेड पीस के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने बंद वाली साइड यानी ये सेंटर वाली साइड है, यहाँ पर एक नॉच लगा लेंगे। आप नॉच की जगह मार्क भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी चादर को ओपन कर लेना है, और अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करना भी बहुत ही आसान सिंपल सा है। जो सीधी वाली साइड है यानी 2.5 मीटर वाली साइड, यहाँ पर मैं लगभग 1.25 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी पूरी लेंथ में। उसके बाद यहाँ से गोलाई से मैं 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दूंगी पूरे सर्कल में। तो बस चादर की यही स्टिचिंग रहेगी। इसके बाद नीचे कॉर्नर का जो फैब्रिक है ये वाला, इससे हम अपना फोरहेड पीस कट कर लेंगे। इसकी लेंथ 15 से 20 इंच आप ले सकते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच पर मार्क करने के बाद मैं इसको डबल कर दूँगी, और अब हमने इसकी सीधी कटिंग कर लेनी है। सो लेंथ आप 20 से 17 इंच ले सकते हैं, जो भी आपको लेंथ चाहिए। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी हमने स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए मेरे पास जो फैब्रिक है ये सेंटर से जॉइंट आएगा क्योंकि ये 2 पीस है। तो पहले हमने इसकी सेंटर से एक सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे, और इसकी रॉन्ग साइड ऊपर करके यहाँ पर इसको बंद करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा ओपन रखेंगे जहाँ से हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे। अब देखिए, स्टिचिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल और इजी है। ये लेंथ वाली साइड है यानी 2.5 मीटर की जो किनारी वाली साइड है, यहाँ से फैब्रिक को आप इस तरह से सिंगल एक बार भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि धागे वगैरह तो निकलेंगे नहीं, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। बट आप चाहें तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं लगभग 1/4 इंच फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी, यानी एक पट्टी फोल्ड करूँगी, और यहाँ पर लेंथ में एक सिलाई लगा दूँगी। अब देखिए, ये दूसरा सिरा आ चुका है। अब यहाँ पर कपड़े को हम 1/4 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फैब्रिक की कटिंग है वो हमने गोलाई में की थी। तो इस तरह से कपड़े को पहले 1/4 इंच फोल्ड करके यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये लाइक्रा फैब्रिक है। मेरी मशीन में तो बहुत ही आसानी के साथ स्टिच हो जाता है। अगर आपके साथ कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगी।
तो देखिए मैं यहाँ ये गोलाई वाली साइड में कपड़े को क्वार्टर इंच फोल्ड कर रही हूँ और इस तरह से ये जो स्टिच है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ रही है, कोई भी टाप नहीं आ रही है, ना ही कोई सिकुड़न आ रही है फैब्रिक में और सिलाई में, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरी ये सिलाई हो गई है। अब जितनी भी बाकी सिलाई है मैं इसी तरह से और कर लूँगी। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर जाकर हिजाब प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करें, जहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के अबाया डिज़ाइन, इंस्टेंट हिजाब डिज़ाइन और खिमार के नए नए डिज़ाइन पोस्ट कर रखे हैं। सो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो देखिए अब ये दूसरी साइड आ गई है जहाँ से हमने चौड़ी पट्टी फोल्ड करके स्टिच किया था, अब यहाँ लाकर सिलाई को एंड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम अपनी फॉरहेड पट्टी लेंगे जिसको मैंने सेंटर से स्टिच कर दिया है, ये वाली सिलाई, अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, रॉन्ग साइड इसके ऊपर रहेगी और राइट साइड अंदर की तरफ। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमने इसकी स्टिच करनी है जैसे हमने कटिंग की थी, तो ये कॉर्नर की शेप बनाते हुए यहाँ से एक पैर की सिलाई करेंगे और अब इस सिलाई को नीचे की तरफ लाएंगे। सो पहले थोड़ा सीधा सिल देंगे इस तरह से, इसके बाद हमने इस सिलाई को थोड़ा सा गैप देना है यानी ओपन रखना है जहाँ से हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे। तो मैं इतना इसको छोड़ दूँगी, स्टिच नहीं करूँगी और उसके बाद यहाँ से स्टिच कर लेंगे और ये स्टिच यहाँ लाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। अब सिंपली किसी भी नोकीली चीज़ से हमने इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेना है। मैं स्क्रू ड्राइवर ले रही हूँ, सो जहाँ से हमने ओपन किया था ये बाहर की तरफ सीधा हो जाएगा। दोनों सिरे बाहर की तरफ निकालने के बाद जिसके ये नोक है ये भी हमने शार्पली बाहर निकाल लेनी है। इसके बाद जितना हिस्सा इसमें ओपन था वो हम स्टिच करके बंद कर देंगे। सो यहाँ से इसको हमने इस तरह से पकड़ लेना है और बस एक सिलाई लगा देनी है, सिलाई को किनारी पर लगाएंगे। तो लीजिए ये हमारी फॉरहेड पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने इसको अपने चादर से जॉइंट करना है। सो चादर स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ये वाली जो गोलाई है ये हमने क्वार्टर इंच फोल्ड की है और ये वाली जो सीधी लंबाई है यहाँ पर हमने पौन इंच पट्टी को डबल फोल्ड किया है। इसके बाद इसमें एक सेंटर का मार्क कर लिया है और अब इस मार्क की हेल्प से हम अपनी फोरहेड पट्टी जॉइंट करेंगे। तो फोरहेड पट्टी के भी सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसके बाद सेंटर से इस तरफ भी मैं 5.5 इंच पर मार्क करूँगी और इस तरफ भी मैं 5.5 इंच पर मार्क करूँगी। आप इसको को 6 इंच पर भी कर सकते हैं यानी टोटल 12 इंच। अब सिंपली हमने ये सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है और जहाँ हमने मार्क किया है यहीं तक हमने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो बस हमने फॉरहेड पट्टी को नीचे की तरफ रखना है और ये बाहर की तरफ। आप अगर पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर लास्टिक भी लगा सकते हैं, लास्टिक की लंबाई भी आप 11 से 12 इंच ले सकते हैं। सो मैं जो है वो ये फॉरहेड पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। अब बस इसको इस तरह से रखकर हमने सिलाई कर देनी है। तो देखिए सिलाई करने के लिए मैंने एक साइड तो सिल ली है, सेंटर पर आने के बाद अब हमने ये साइड को भी सीधा सिल लेना है। सो दोनों साइड बिल्कुल इसी तरह से सिलेंगी, यहाँ लाकर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद ये देख सकते हैं आप ये हमारी यहाँ से सिलना स्टार्ट हुई थी और यहाँ लाकर हमने इसको एंड कर दिया है। अब इस सिलाई को मैं आगे भी बढ़ा लूँगी और यहाँ लाकर यानी ये जो किनारी है इसकी भी सिलाई लगा दूँगी ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। और अब हमने यहाँ पर सिलाई निकाल लेनी है। तो बस इसी सिलाई के साथ हमारा ईरानी चादर रेडी हो गया है। अब इसको पहनना कैसे है वो देख लेते हैं। सो गाइज़ मैं डमी पर पहनाकर दिखाऊंगी एंड डमी के ऊपर जो ये रेडीमेड जैसा इनर कैप है इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन देख लेना। अब इसको पहनना कैसे है ये देख लीजिए। जो हमने फॉरहेड पीस लगाया है ये हम फॉरहेड पर रखेंगे इस तरह से और इसके जो दोनों सिरे हैं ये वाले ये नेक के नीचे यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो फिटिंग के हिसाब से हम इसको बांध लेंगे जितना भी आपको टाइट रखना है, लूज़ रखना है इस तरह से। सो फॉरहेड जितना भी कवर करना है आपको उतना कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद साइड से जो दोनों सिरे हैं ये आगे की तरफ लाएँगे।
ये दोनों सिरे वही वाली साइड है जहाँ पर हमने चौड़ी पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगाई थी। सो ये वाली जो साइड है ये आगे की तरफ आएंगी दोनों। अब देखिए किसी भी साइड से ये हमने अपने फेस के ऊपर इस तरह से कवर कर लेना है। आप यहाँ पर पिन की भी हेल्प से इसको सिक्योर कर सकते हैं इस साइड में। सो पिन लगाकर ये अच्छे से टक हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरी वाली साइड है ये दूसरे शोल्डर के ऊपर इस तरह से आ जाएगी। पहनने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा ईरानी चादर कैसे पहनी जाती है। सो वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है और आपको अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। पहनना भी बहुत ईजी है और बहुत ही कम्फर्टेबल है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।